श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणी अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। मन बिजली से भी सूक्ष्म है। प्यारी जनता, सत्संग में संतों के वचन का पाठ होना चाहिए। सुनने में मीठा, समझने में और भी विशेष मीठा मालूम होता है। पहले ध्यान बिंदु उपनिषद का पाठ हुआ, इसमें कहा गया कि पाप को नाश करने के लिए ध्यान ही सबसे बड़ी चीज है। ध्यान का आरंभ प्रत्याहार से होता है। प्रत्याहार के बिना धारणा नहीं होगी, धारणा के बिना गहराई नहीं होगी, गहराई के बिना ध्यान नहीं हो सकता। मन भागता है, उसको समेट कर लगाओ, यह प्रत्याहार है। फिर कुछ काल ठहरता है, वह धारणा होती है। धारणा बहुत बार होने पर गहराई होती है। मन देर से टिकता है, तब ध्यान होता है। पहले प्रत्याहार, फिर धारणा, यह ध्यान के लिए प्रयास करना है। यह प्रयास के बिना ध्यान नहीं हो सकता। लोग कहते हैं मन भागता है, यह ठीक है, सबको ऐसा होता है। थोड़ा सा यत्न करके कोई कहे नहीं होता है तो भूल है। जितना अभ्यास करना चाहिए उतना करना जरूरी है। पहले किसी का मन नहीं लगता है, भागे तो संभाल कर रखो। यह जितनी बार भागे उतनी बार समेटो। कितनी बार समेटना पड़ेगा ठिकाना नहीं, करते करते होगा। कबीर साहब ने कहा, लखत लखत लखी पड़े कटे जम फंद है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, तुम्हारा मन जहां जहां भागे वहां से हटा हटा कर फिर लगाओ। लोग कहते हैं कुछ काल देखा फिर भाग गया। अरे वह नहीं भागा, वह जहां का तहां है, तुम भाग गए। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि। पहले लिखते समय कितनी बार हाथ टेढ़ा हुआ फिर ठीक हुआ, यह करना होगा। भजन भेद जानने वाले सब अभ्यास कीजिए, कभी निराश नहीं होइए। होगा ही कि नहीं, पहले प्रत्याहार होगा, उसका फल धारणा होगी, धारणा का फल ध्यान होगा। ध्यान कहते हैं मन की एकाग्रता को, इतना सिमटाओ कि जिसका बांट नहीं हो सकता, जिससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, वह है बिंदु। गीता का अनोर नियम, इस तरह की धारणा हो कि एक बिंदुता हो, उस पर पूर्ण सिमटाओ हो, यही श्रीमद् भागवत का शून्य ध्यान होगा। तत्र लब्ध पदं चित्त माकृष्य व्योमनी धारयेत्, तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदिपि चिन्येत। अष्टकंद 11 अध्याय 14। मुखारविंद में चित्त के अस्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करें, तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और ध्यान भी चिंतन न करें। मुखारविंद में चित्त के अस्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करें, तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करें। मुखारविंद का ध्यान, फिर शून्य का ध्यान। शून्य ध्यान सबके मन माना संत कबीर साहब। जब तक कोई एक स्वरूप अवयव सहित रहता है, मन की बाँट समस्त शरीर पर होती है। एक बिंदुता पर पूर्ण सिमटाव होता है। सिमटाव का फल उधर्वगति स्वाभाविक है। जिस परिमाण में पूर्ण सिमटाव होगा उसके विरुद्ध की ओर गति हो जाएगी, बढ़ाव हो जाएगा। किसी चीज को समेटो तो ऊपर की ओर वह बढ़ेगी, चाहे वह ठोस तरल या वाष्पी हो। जो जितना सूक्ष्म है उसका उतना ही अधिक सिमटाव और उधर्व गति होगी।
बर्फ से पानी और पानी से वाष्प अधिक सूक्ष्म होने के कारण बर्फ से पानी, पानी से वाष्प में विशेष उधर्व गति होगी। अब मन को लो, मन बिजली से भी सूक्ष्म है, इसको समेट कर देखो, तब मन की चाल देखोगे। मन जाए, ठीक ठीक जाए, वहां तीव्रता जो आती है उसको देखो। यहाँ पूर्ण सिमटाव पहले स्थूल मंडल में होगा। स्थूल मंडल कर्म मंडल के अंदर का है। यहाँ सिमटाव होने से सूक्ष्म मंडल में जाता है। यह भी कर्म भूमि है, यह स्वर्ग या देवलोक है। यहाँ भी सिमटाव होने से जहाँ कर्म बीज रूप है वहाँ चला जाएगा। वहाँ भी सिमटाव हो जाए तो कर्म मंडल को पार कर जाएगा। पाप पुण्य कर्म दोनों छूट जाएंगे। पाप पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए संसार ही है। हम लोग जो कर्म करते हैं, इन कर्मों के फल को भोग कर कोई समाप्त नहीं कर सकता, किंतु ध्यानाभ्यास द्वारा कर्म मंडल को पार कर जाएगा और पाप पुण्य दोनों कर्मों से छूट जाएगा। इस पाप से निवृत्त हो जाएगा। पाप ही क्यों, पुण्य कर्म का फल भी संसार में ही भोगना पड़ता है। संत तुलसी साहब कहते हैं, असली अधर धार निहार निज के निकरी शिखर चढ़ा वही, जहाँ गगन गंगा सुरती जमुना जतन धार बहा वही। जहाँ पदम प्रेम प्रयाग सुरसरी धूर गुरु गति गावही, जहाँ संत आस विलास देनी वेनी विमल अजब अनहावही। कृत कुमति काग सुभाग कलिमल कर्म धोई बहावही, हिये हेरी हर्ष निहार घर को पार हंस कहावही। मिली तुल मूल अतुल स्वामी धाम अविचल बसी रही, आली आदि अंत विचारी पद को तुलसी तव पियु की भई। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजा स उच्यते तत्र स्नानंग प्रकुर्वित सर्व पापः परमुच्यते। अर्थात देह में जहाँ उल्लिखित तीनों नारियों का संगम है, उस स्थान को गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी कहते हैं। यह त्रिवेणी सर्व प्रधान तीर्थ कहकर गिनी जाती है। इस तीर्थ में स्नान करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार कर्म मंडल से पार हो सकेंगे। एक तो ऋषि वाक्य है, इसलिए दूसरे विचार द्वारा भी यह बात ठीक जचती है। पाप कर्म करने वाले से ध्यान नहीं होगा। पुण्य कर्म करने वाला भी यदि फलासा रखता है तो वह भी बंधा हुआ रहेगा। सत्संग के बल से विचार के द्वारा पाप कर्मों से बचें, पुण्य कर्म करें किंतु फलासा नहीं रखें। पुण्य कर्म क्यों करें, तो संसार में रहकर कोई निष्कर्म नहीं रह सकता, कुछ कर्म करना ही होगा। यदि कहो कि पाप पुण्य दोनों बांधते हैं तो पाप करो ही नहीं किंतु पुण्य करो, फिर फलासा त्याग कर इससे बंधन नहीं होगा। ध्यानाभ्यास के द्वारा उसकी कहां तक गति होगी, जिसको कोई पार नहीं कर सकता है, वह है परमात्मा। उसको पाने पर फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ेगा। पहले बीजाक्षर, फिर इनाद और फिर इनाद को भी लय कर देना। बीजाक्षर क्या होता है, अक्षर का बीज जहाँ कलम रखते हैं। पहले बिंदु होता है, फिर कोई अक्षर। बिंदु के बिना लकीर नहीं हो सकता, बिना लकीर के कोई आकार या अक्षर नहीं हो सकता। इसलिए किसी आकार या अक्षर का बीज बिंदु है। फिर उन्होंने बिंदु में भी परम लगा दिया है। रेखा गणित में बिंदु पढ़ता है, किंतु उसकी परिभाषा के अनुकूल बाहर में कोई बना नहीं सकता। बाल की नोक से एक चिन्ह देने पर भी परम बिंदु नहीं हो सकता। परम बिंदु लिखने के लिए परमात्मा ने कलम दे दी है, वह है दृष्टि। दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक फैली हुई, दूसरी सिमटी हुई। अर्जुन को निशाना मालूम होता था और कुछ नहीं, सुई के छेद में
धागा तागा करते समय कितना संभाल करना होता है। कहे कबीर चरण चित राखो ज्यो सुई बिच डोड़ा रे। एक बार द्रोण ने स्वयं अपने निशाने का परिचय दिया था। एक बार कौरव तथा पांडव सब भाई मिलकर गेंद खेल रहे थे, संयोगवश गेंद कुएं में गिर पड़ा। अब इन लोगों को कुएं से गेंद निकालने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसी समय द्रोण उसी होकर वहां आ निकले। इन लोगों ने उनसे गेंद निकाल देने की प्रार्थना की। द्रोण ने एक सीकी से गेंद में मारा, पुनः सीकी के पेंदे में दूसरी सीकी से एक एवं प्रकार सीकी के पेंदे से को सीकी से छेदते हुए कुएं के ऊपर तक सीकी का छोर लगा दिया और गेंद को निकाल कर उन लोगों को दे दिया। सीकी के पेंदे में सीकी मारना दृष्टि को कितना महीन करना है। इनकी दृष्टि कितनी सिमटी हुई थी। अपनी दृष्टि को इस प्रकार सूक्ष्म बनाओ। बाहर में भी कितनी दृष्टि सिमटी हुई है। जो अभ्यास कर पाता है वह जानता है। यह गप वाली बात नहीं, केवल सिद्धांत ही हो और प्रयोग नहीं ऐसी बात नहीं। यह बाहर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है जो दोनों वाष्पों को मिलाकर दिखलाया जाए कि जल किस प्रकार होता है। एक बिंदुता होने पर जो दर्शन होता है वह परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। शालिग्राम में हाथ पैर नहीं है, मुकुट नहीं है, भगवान मानते हो। यह बिंदु ज्योतिर्मय है, इसे भगवान क्यों नहीं मानते। यह भीतर का शालिग्राम है। बरभागी पुरुष एक बार भी दर्शन कर पाता है तो कितना हृदय शांत मालूम होता होगा। उसका दर्शन होने पर मुनि कहते हैं, नादंग तस्योपरिस्थितम। संसार में जहां भी देखो शब्द होता है। सृष्टि शब्दमय है, स्थूल जगत में शब्द है, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत में भी शब्द है। ध्यान करके देखो ठीक है या नहीं। चित्त जैसे जैसे अस्थिर होगा शब्द सुनने में आता जाएगा। बिंदु प्राप्त करने पर सूक्ष्म नाद खुल पड़ेगा। यह वचन अतिशयोक्ति या रोचक नहीं है, यथार्थ है। शब्द से क्या होगा। शब्द में अपने उद्गम स्थान पर आकर्षण करने का गुण है। सब प्राणी शब्द के आकर्षण में खींच जाता है। बिंदु पर जहां से शब्द आता है उसको पकड़ने वाला वहां लय होता है। जहां से वह शब्द आया है वह लय होता है। निःशब्द में वही परम पद है। अंत में शब्द का अभ्यास होता है। नास्ति नादात प्रो मंत्रो न देव स्वात्मनः परः नानुसंदे पड़ा पूजा न ही तृप्ते परं सुखम। अर्थ, नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। नाद वा ब्रह्म की अनुसंधि अन्वेषण या खोज से बढ़कर कोई पूजा नहीं है तथा तृप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। नाशनंग सिद्ध सदृशंग न कुंभक सदृशंग बलम न खेचरी समा मुद्रा न नाद सदृशो लयः। अर्थ, न सिद्धासन सम आसन, न कुंभक संबल, न खेचरी के समान मुद्रा और न नाद के तुल्य लय है। बिंदु के प्रकट होने से नाद स्वयं प्रकट हो जाता है। गुरुदेव कहते थे, माता का स्तन पान करने में बच्चा को जो आनंद मिलता है उससे विशेष आनंद नाद को प्राप्त करने पर होता है। इसको अपने अंदर में देखो। जैसे तेल धारा अटूट है, घंटे का दीर्घ नाद वत जो नाद है उसको ग्रहण करे। इसके लिए मणिहारी में रहो या काशी में, स्वपच अपने घर में करे, वहां होगा। भूदेव अपने घर में करें, वहां भी होगा, किंतु हृदय दोनों का एक होना चाहिए। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने स्वपच को चुना था। नाभाजी इसी युग में हुए हैं, जिनकी भक्तमाल बनाई हुई है। ये तुलसीदास जी के समय में हुए थे। किसी बड़ी या छोटी जाति के कारण हृदय बनेगा या नहीं यह बात नहीं। रविदास को सब कोई जानते ही है, चमार थे, हृदय वैसा ही था जैसा तुलसीदास जी का। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई,
सर्व भाव भज कपट तजी मोह मोही परम प्रिय सोई। तो ध्यान से मोक्ष होना, परम पद का प्राप्त होना, आवागमन का छूट जाना है, इसके लिए बाहर में भटकने की जरूरत नहीं। कबीर गुरु की भक्ति कर तजी विश्यारस चौज, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। कबीर साहब विषय की मौज छोड़ने कहा, विषय की मौज में रहने वाला अपने सुख में लगा रहेगा, दूसरे की सेवा करने वाले को अपना शारीरिक सुख छोड़ना पड़ता है, तन मन धन की आसक्ति छोड़ने वाला तन मन धन से सेवा कर सकता है। विषय से संसार भरा हुआ है, विषय छोड़कर कहाँ जाओगे? तो विषय में आसक्त होकर मत रहो, फिर कहो इस बार मौज करने दो, दूसरे जन्म में देखा जाएगा। तो कबीर साहब ने कहा बार बार नहीं पाइए मानुष देह की मौज। राजा भरत को मरने के समय हिरण का ख्याल हो गया, मरने के बाद हिरण हो गया। भक्ति सब कर सकते हैं, इसके बीज का विनाश नहीं होता, हिरण हो जाने पर भी बीज नष्ट नहीं हुआ, दूसरे जन्म में और बढ़ गया। इसी को गीता के 6 अध्याय में भगवान ने कहा है, अनेक जन्म संसिधिस्ततो याति प्रांगतिम, अध्याय 6 श्लोक 45। अनेक जन्मों के अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। भक्ति बीज बिन से नहीं आय पड़े जो चोल, कंचन जो विष्टा पड़े घटे न ताको मोल। भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तौ संत को संत। नीच कुल में जन्म होने पर बीज नष्ट नहीं होता, भक्ति ठानी शब्द गहे बहुरी न काछे भेख। शब्द को पकड़ ले, जागृत से ऊपर उठकर देखो तुड़ी अवस्था में, तब यह जागृत स्वप्नवत मालूम होगा। इसके ऊपर उजाओ अद्वैत पद में पहुंचो, तब फिर मिलना बिछोड़ना सुख दुख देने वाला कोई नहीं रहेगा, जहां जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाए। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, महोपनिषद 4 अध्याय। अर्थात पड़े से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसी कर्म को करने में मनुष्य की सार्थकता है, सबको यही विचार ग्रहण करना चाहिए। सब संतों का मार्ग एक ही है, इसके लिए विषय की तरफ से आकर्षण को हटावें विचार से। विचार से कोई विषय की ओर से मन को हटाए बिना भजन में बढ़ नहीं सकता। खुलासा में समझो तो झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार मत करो। एक ईश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5ों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। यह प्रवचन संत मत सत्संग मंदिर मणिहारी कटिहार में दिनांक 25/10/1952 को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।